और इस यूनिवर्स की क्रिएटर भी हमारे साथ हैं, अलिफिया। हाय अलिफिया। हेलो मैम, आई एम एंड नाइस टू सी योर पेरेंट्स। आप अपनी बेटी के बारे में मुझे अंदर कुछ महसूस हो रहा है इसको देख। सैटर्न ऑर्बिट इज 25 मून। ग्रैंडा इज सपोज टू बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट मून ऑफ सैटर्न। सो दिस इज द थीम ऑफ सैटर्न फ्रॉम ग्रैंडा। एंड दिस सपोज टू बी द लैंडस्केप ऑफ एन एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड आर द स्पेस जंक्स जो ऐसे स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द लैंडस्केप एंड दिस यू कैन सी इज आल्सो वन ऑफ द एस्टेरॉइड्स व्हिच इज नॉट इन शेप बिकॉज़ दे यूजुअली डोंट हैव एनी शेप। सो द लाइट the comet. So this is a Hydra shaped comet which is giving the light to the entire thing. Wow. And this is one of my astronomy which is known as water moons. Water moons. Moons. Water moons. Moons. Okay, water moons. Water moons. Because ऐसा पाया गया है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे planets हैं जहाँ पे पानी हो सकता है। So this is basically the imagination. कि अगर कोई ग्रह पे पानी है तो लाइक हाउ इज इट फॉर्म वेयर द वाटर कम्स फ्रॉम। सो देयर आर यूजुअली मून्स लाइंग ओवर द प्लैनेट्स व्हिच आर फुल्ड विद वाटर एंड देयर कैन सी द क्लाउडी सरफेस। इट्स जस्ट इमेजिनेशन हाउ अ वाटर प्लैनेट वुड बी। इट्स वेरी वंडरफुल। Drawing, painting to students before I started working, and now I'm currently working and my theme is on astronomy. I'm really happy to have an exhibition.